फ्रेंड्स, वेलकम टू अदरवाइज ट्यूटर्स। नाउ दिस इज दृष्टि वर्तिया और आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी इकोनॉमिक चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट की। सो गाइस, वी स्टार्टेड इन अ टू फॉर्म और इन अ टू पार्ट। हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट आज करेंगे और लोन टॉपिक से रिलेटेड हम पार्ट सेकेंड में ही डिस्कस करेंगे। सो द इम्पॉर्टेंट वन, वी फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन अबाउट द एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स, एमसीक्यूज एंड द होमवर्क क्वेश्चंस। नाउ वी टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंट वन, द यूज ऑफ द मनी स्पैन्स अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ अवर एवरीडे लाइफ। मीन्स हमें पता है कि हम मनी को एक एक्सपांडिंग नेचर में, मीन्स हम अलग अलग जगह अपनी डेली रूटीन लाइफ के जरूरत के हिसाब से हम यूज करते हैं। इट इज यूज टू बाय एंड सेल गुड्स एंड एक्सचेंज ऑफ द सर्विसेज फॉर द मनी एंड प्रोमिस टू द पे मनी लेटर। हम तीनों चीजें करते हैं, हम किसी चीज को बेचते हैं, खरीदते हैं, या हम किसी से प्रोमिस करते हैं कि हम आपको कल पेमेंट कर देंगे। नाउ वी टॉक अबाउट द व्हाई मनी इज यूज्ड फॉर ट्रांजेक्शन। हमें मनी ट्रांजेक्शन में यूज क्यों होती है? इस रीजन इज दैट अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन इजिली एक्सचेंज इट फॉर एनी कमोडिटी और सर्विस दैट ही और शी माइट वॉन्ट। मीन्स पर्सन होल्ड करता है मनी को इजिली एक्सचेंज करने में, किसी भी कमोडिटीज में चेंज करने में, सर्विस को एक्सचेंज करने में हेल्प मिलती है। सेकेंडली चीज ये है ट्रांजेक्शन की कि हम ये देख सकते हैं एवरी वन प्रीफर टू रिसीव पेमेंट इन मनी एंड देन एक्सचेंज द मनी फॉर थिंग्स दैट दे वॉन्ट। मीन्स मनी को किस तरीके से वो एक्सचेंज कर रहा है, उसकी जरूरतें क्या है। नाउ वी टॉक अबाउट द हाउ वर ट्रांजेक्शन डन इन द ओल्डन डेज। किस तरीके से ट्रांजेक्शन ओल्डन डेज में हम करते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, इसमें एक मीडियम था जिसमें गुड्स और सर्विसेज को हम क्या कर सकते थे, एक्सचेंज कर सकते थे विदाउट अ कॉमन यूनिट। मीन्स डायरेक्टली हम किसी कॉमन यूनिट के बिना हम क्या कर सकते थे, गुड्स एक्सचेंज कर सकते थे। ऑल्सो नॉन एज अ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉइंस, और इसे ही हम डबल कोइंसिडेंस भी कहते थे। इस सिस्टम में हमने देखा किस तरीके से हम गुड्स एक्सचेंज कर सकते थे। मींस गुड्स के लिए हम एक्सचेंज कर रहे तो वी कॉल द बार्टर सिस्टम। इन अ बार्टर सिस्टम वेयर गुड आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी, दिस इज द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स इज इन द एसेंशियल फीचर्स। नाउ वी टॉक अबाउट द डिफिकल्टी विद द बार्टर सिस्टम। अब डिफिकल्टी क्या थी बार्टर सिस्टम से, हमें ये याद रखना। तो हम इसमें कॉन्फ्लिक्टिंग वॉन्ट्स, वी नो दिस इज द एक्सचेंज इम्पॉसिबल, कहाँ कहाँ एक्सचेंज इम्पॉसिबल होता था। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक आई विल सेल शू फॉर अ मिल्क, मीन्स हम किसी मिल्क मैन को शू नहीं बेच सकते थे। शू मेकर अपने शू को मिल्क मैन को रेगुलर नहीं बेच सकता था, और मिल्क मैन क्लॉथ वाले को अपना अपना मिल्क रेगुलर बेचता तो रेगुलर उसे क्लॉथ मिलते थे। मीन्स और किस तरीके से क्लॉथ मेकर जो है ये शू मेकर को कैसे शू नहीं एक्सचेंज नहीं कर पाता था, ये तीनों डिफिकल्टी हुई थी शू मेकर के साथ, मिल्क मैन के साथ और साथ ही साथ टेलर के साथ। ये तीनों बार्टर सिस्टम के एक बहुत बड़े इश्यूज थे। अगर हम मनी वर्क्स की बात करें तो ये इंटरमीडिएटरी है। मींस ये यूज किया जाता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। मींस कैसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम करते हैं गुड्स और सर्विसेज के लिए। एवरीवन प्रीफर द रिसीव पेमेंट इन द मनी, मींस किस तरीके से पेमेंट फॉर्म करते हैं। मनी इलिमिनेट करता था नीड फॉर द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। मींस कैसे डबल कोइंसिडेंस वॉइंट्स को किस तरीके से मनी जो है अपनी लिमिट क्रॉस कर सकते हैं कि हम ये रखें कि नहीं भैया हमने अगर सेल कर रहे हैं मिल्क मैन को, हम क्लॉथ सेल कर रहे हैं तो मिल्क मैन हमें उतना ही मिल्क भी दे। लेकिन मिल्क तो एक डेली यूज की चीज है, और क्लॉथ क्या हो गया आपका, क्लॉथ आप रेगुलर यूज करते हैं, मीन्स डे बाई डे आपको कुछ डिफरेंट चाहिए। नाउ मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, क्या है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सीन दैट द मनी इज समथिंग दैट कैन एक्ट एज अ मीडियम ऑफ द एक्सचेंज इन द ट्रांजेक्शन। मीन्स मनी समथिंग क्या है, एक मीडियम है। ये क्या कर रहा है, ये ट्रांजेक्शन को क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है। बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉइन्स अ वेराइटी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स वॉज यूज्ड एज मनी। जब तक कॉइन नहीं मार्केट में आई, बनी नहीं, जब तक इसका इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, जब तक हम क्या कर रहे थे, हम बहुत सारी वेराइटी में हर किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे थे, एक्सचेंज कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल सिंस द वेरी अर्ली एजेस इंडियंस यूज्ड ग्रेन्स एंड द कैटल एज मनी। देयर आफ्टर कैम द यूज ऑफ द मेटेलिक कॉइन्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर कॉइन्स अ फेज विच कंटिन्यूड
वेल इन टू द लास्ट सेंचुरी। जैसे जैसे एज बढ़ती गई वैसे वैसे इंडियन एज बढ़ने के साथ साथ जो ग्रेन और कैटल हम मनी एक्सचेंज में यूज कर रहे थे उसकी जगह हमने गोल्ड सिल्वर और कॉपर कॉइन यूज करना चालू कर दिया बिफोर द लास्ट सेंचुरी। नाउ द इवोल्यूशन ऑफ मनी, किस तरीके से मनी का इवोल्यूशन हुआ। पहले आया बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम आगे चेंज हुआ गोल्ड में, गोल्ड आगे चेंज हुआ मेटल कॉइन्स लाइक कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड। इसके बाद इसमें पेपर मनी में एक्सचेंज हुआ, पेपर मनी से हमने प्लास्टिक कार्ड्स लाइक क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड में यूज करना चालू किया, और डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से हमने आगे चल के क्या यूज करना चालू कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक मनी। इलेक्ट्रॉनिक मनी लाइक पे टीएम फोन पे भीम पे एंड ऑल दिस आर इंक्लूडेड इन द इलेक्ट्रॉनिक मनी। नाउ वी टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंट वन इज द क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी मीन्स बिटकॉइन करेंसी और क्रिप्टो करेंसी भी अब इन्वॉल्व होने लगी है। नाउ इन रिसेंट सेंचुरी वी यूज द अर्ली पंच्ड मार्क्ड कॉइन्स। लाइक अर्ली पंच्ड मार्क्ड कॉइन्स की बात करें तो ये 25,000 से भी ज्यादा पुरानी कॉइन्स हम इसमें यूज कर सकते हैं। लाइक गुप्ता कॉइन्स, गुप्ता कॉइन्स भी हमने यूज करी है, तुगलक कॉइन्स भी यूज करी है, गोल्ड मोहर फ्रॉम द अकबर लाइन भी हमने यूज किया, और हाल ही में अब 1 के 2 के सिक्के दिस इज द मॉडर्न कॉइन। Now we talk about the forms of money, किस तरीके के हम money forms कर सकते हैं। First of all we talk the currency, next is a deposit and check, and currency भी two type की means paper notes or coins। Means कैसे paper notes और coins हमने currency के form में use किया है, और deposit हमने by check कैसे use किया है, this is the form of money। Now we talk about the modern currency without any use of its own। Means कैसे modern currency हम बिना किसी अपनी खुद की currency ना बताते हैं हम modern currency को कैसे हम transaction में use कर सकते हैं। Now unlike the things that were used as the money earlier, मॉडर्न करेंसी इज नॉट मेड ऑफ द प्रीशियस मेटल सच एज द गोल्ड सिल्वर एंड द कॉपर। मीन्स इस तरीके के मेटल हम मॉडर्न करेंसी के अंदर यूज नहीं करते हैं, और ना ही हम किसी भी तरीके का कैटल यूज करते हैं। मीन्स हम कैटल एक्सचेंज या हम गाय भैंस बकरी को हम एक्सचेंज नहीं करते हैं, ग्रेन एक्सचेंज सिस्टम हम नहीं करते हैं। वी वॉन्ट ओनली अ मनी इन द पेपर वर्क और इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इन द पेपर फॉर्म ऑफ द मनी एंड द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ अ मनी नाउ आवर डेज वी यूज इन एवरी डे। Now we talk about the important question। यहाँ पे एक important question ये बनता है, ये 2013 CBSE 2015 में पूछा गया question है कि why is modern currency accepted as a medium of the exchange without any use of its own? Find out the reason। Means हम कैसे reason को find out करते हैं, तो हमें first point याद रखना, this is the authorized by the obviously government of India ने इसे authorized किया है। India के अंदर Reserve Bank of India ने currency note को issue किया on the behalf of the सेंट्रल गवर्नमेंट। मीन्स आरबीआई जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट पे काम करता है, कोई अदर इंडिविजुअल इसके अंदर कोई भी करेंसी को इशू नहीं कर सकता है अपार्ट फ्रॉम द आरबीआई। नाउ द लॉ ऑफ द कंट्री लीगेसी इट्स ऑन एज अ मीडियम ऑफ द पेमेंट एंड द सेटिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन। मीन्स किस तरीके से हमारे यहाँ पर लॉ बने हैं, लीगलिस्ट बनी है मीडियम पेमेंट के, मोड ऑफ मीडियम को ट्रांजेक्शन और एक्सचेंज करने के लिए। Now, no one in a country can refuse payment made in the currency of that country। Means कोई भी country अपने payment को refuse नहीं कर सकती है, means exchange नहीं कर सकती, हाँ ये transaction में help कर सकती है। Now, at a point of time, people need only some currency of their day-to-day needs, rest of the money they deposit with the bank by opening a bank account in this name। But this money is known as the demand deposit, we also call it the DD in the demand deposit। A demand deposit is a deposit of the money with the bank that can be withdrawn without prior notice। Means ठीक है, सबसे हम कैसे मनी को यूज कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं बैंक में, और बैंक से कैसे ऑन द बेसिस ऑफ द नेम हम कैसे डिमांड डिपॉजिट करा सकते हैं। मीन्स हम डीडी बनाते हैं तो डीडी का मीन्स यहाँ पर ये रहता है, डिमांड डिपॉजिट का मीनिंग यहाँ पर ये रहता है कि अगर हम किसी भी पेबल नेम के थ्रू हम अगर डिमांड डिपॉजिट जमा कराते हैं तो वो किसी भी नोटिस प्रायर आपको कोई नोटिस नहीं देगा, और वो डिमांड डिपॉजिट उसके खुद के नाम पे वो उसे विड्रॉ करा सकता है। Importance of the demand deposit, the importance of the demand deposit is the money is safe from theft and robbery in bank। Means money safe हो जाती है आपकी, और bank में अगर robbery होते हैं तो उसकी guarantee bank की रहती है। Now banks also pay an amount as interest on the deposit। Means money किस तरीके से bank pay कर सकती है, money deposit पे किस तरीके से interest back करती है, money पर कौन bank करती किसे
डिपॉजिटर को. नाउ द पीपल हैव अ ऑप्शन टू विदड्रॉ द मनी एज एंड व्हेन दे रिक्वायर. मीन्स पीपल कैसे किस ऑप्शन से मनी को विदड्रॉ कर सकते हैं और मनी को किस तरीके से उसके रिक्वायरमेंट में यूज कर सकते हैं. नाउ पीपल वॉन्ट नीड टू कैरी अ लार्ज सम ऑफ द मनी विद देम. दे कैन इश्यूज अ चेक टू पीपल फ्रॉम द डीडी. मीन्स पीपल किस तरीके से अपनी नीड के अनुसार लार्ज अमाउंट में मनी को किस तरीके से यूज कर सकते हैं और ये किस तरीके से चेक और डीडी को इश्यू कर सकते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. नाउ डिड यू नो अबाउट द चेक. क्या है चेक? चेक एक पेपर इंस्ट्रूमेंट है. मीन्स पेपर इंस्ट्रक्टिंग बैंक कॉपी है. मीन्स यहाँ पर क्या होता है, हम बैंक को पे करते हैं थ्रू द चेक या हम पर्सन को पे करते हैं थ्रू द चेक. तो ये एक चेक जो बैंक के द्वारा इशू किया जाता है. नाउ वी टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंट वन इज द सैंपल ऑफ द चेक. एक हमारे पास सैंपल है चेक का, इसमें हमें याद रखना है. हमारे पास फर्स्ट पे पॉइंट क्या हो जाता है, फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास राइट द नेम ऑफ द पे. मीन्स आप जिसको पे कर रहे हैं उसका नाम आ जाएगा. यहाँ पर जो भी अमाउंट आप दे रहे हैं उस अमाउंट को आपको वर्ड्स में लिखना है. नेक्स्ट यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर, आपका अकाउंट नंबर यहाँ पर मेंशन करना है कि आप इस अकाउंट से कटवा रहे हैं. नाउ कितना अमाउंट है उन्हें हमें फिगर में लिखना है. नाउ आपका यहाँ पर सिग्नेचर हो जाएगा और फिर आपको राइट द डेट्स. मीन्स आपको यहाँ पर डेट राइट करना है कि कितने तारीख को आपको देना है. नाउ वी टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंट वन इज द प्रोसेस ऑफ द चेक क्लियरिंग. क्या है प्रोसेस चेक क्लियरिंग की? ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको बहुत अच्छे से ऑन द पेपर आप अच्छे से इसे समझिए और इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से कॉपी में पहले नोट डाउन करें और ये स्टेप्स आप याद रखें. लाइक आई एम रितु, मैं रितु हूँ और मैंने जे को अपना चेक दिया. तो मैं जे को अपना चेक दे रही हूँ, तो जे क्या करेगा, जे जाएगा सीधे कहाँ जाएगा, ये चेक को सबमिट करेगा किसके, कहाँ पर, उसके खुद के बैंक में, खुद के बैंक में जहाँ उसका अकाउंट है. और फिर वो बैंक मेरे बैंक में उस चेक को भेजेगी कि नहीं आपके इस पर्सन ने हमें चेक दिया है, आप इतना अमाउंट हमारे इस बैंक में दीजिए क्योंकि ये पर्सन इस अमाउंट को पा रहा है. तो ये क्या होगा, ये वेरीफाइड करेगी कौन, मेरी बैंक, कि हाँ मैंने चेक दिया है या नहीं. अगर मैंने दिया है तब तो ठीक है, और अगर मैंने नहीं दिया है तो क्या होगा, मेरा चेक रिटर्न हो जाएगा. और अगर मैंने दिया है तो मेरा जो जितना अमाउंट मैंने लाइक 10,000 लिखा है तो 10,000 जो है वो जे के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा. मीन्स जो अमाउंट क्रेडिट हो रहा है वो उस पर्टिकुलर किसके उसमें हो जाएगा, रिसीवर के उसमें हो जाएगा और सेंडर के अकाउंट से कट जाएगा. मीन्स मैं सेंडर हूँ और रिसीवर कौन हो गया, जे हो गया. सो दिस इज द चेक क्लियरिंग प्रोसेस. नाउ वी टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. यहाँ पे यूटिलिटी क्या है, चेक की यूटिलिटी क्या है. तो हमें याद रखना है इसमें कुछ फीचर्स है जो मनी के लिए है. दे सेटल पेमेंट विदाउट द यूज ऑफ द कैश. मीन्स ये पेमेंट सेटल करते हैं बिना किसी कैश के यूज के. दे आर वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीन्स ऑफ द पेमेंट. ये काफी बड़े ब्रॉड लेवल पे भी हम चेक के थ्रू पेमेंट यूज कर सकते हैं. नाउ देयर पोज द लिस्ट रिस्क इन द ट्रांजेक्शन. ये हमारे ट्रांजेक्शन को मीन्स फ्रॉडनेस से बचाता है. नाउ द फिफ्थ वन इज अ फेयर डीलिंग. मीन्स ये एकदम पक्की डीलिंग होती है और इसमें कोई भी किसी भी तरीके का उथल पुथल नहीं होती या किसी भी तरीके का फ्रॉडनेस नहीं रहता है, जिससे मनी ऑफ ट्रांजेक्शन हम इजिली कर पाते हैं. सो गाइज, इन द लोन एक्टिविटीज ऑफ द बैंक, हम लोन एक्टिविटीज ऑफ द बैंक नेक्स्ट वीडियो में पार्ट टू में डिस्कस करेंगे. आई होप गाइज आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव. सो प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें. फिर मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ. स्टे ट्यून्ड विद द अदरवाइज ट्यूटर्स. योर सपोर्ट इज अवर पावर. थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद.